नमस्कार एवरीवन दिस इज अंजू एंड यू आर वाचिंग ड्रॉप, सो इंट्रोड्यूस वीडियो यूनिट इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी एंड इट्स इंटरवेंशन दैट इज बॉड विकलांगता एंड शिप एंड बॉड द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी एंड विल गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स लिस्टेड हियर सो मूविंग टू आर फर्स्ट स्लाइड लेटेस्ट डिस्कस अबाउट द असिस्टिव डिवाइसेस ठीक है असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती है तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर असिस्टिव डिवाइसेस की असिस्टेट डिवाइसिस आर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल टूल्स ठीक है ऐसे प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं डिजाइन टू सपोर्ट द फंक्शनल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल विद डिसबलिटीज़ ठीक है जिनसे जो डिसेबलिटीज़ वाले इंडिविजअुअल हैं यहाँ पर उनकी जरूरतों का हम कुछ पूरा कर सकें द एम टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल फेसिंग चैलेंजेस इंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ठीक है कि ऐसे लोग जिनको अपने डेली लिविंग में कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस हो रही हैं तो वहाँ उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको भी इम्प्रूव कर देते हैं ठीक है जैसे हमारी हियरिंग एड होगी आपने देखा होगा कई बार कान में लगाते जिनको कम सुनाई देता है तो उससे क्या होता है कि अगर हम स्लो भी बोलेंगे तो वो साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी और उसको सुन जाएगी ठीक है कि वो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग था और उसको जो है अब आसानी होगी चीज़ों को सुनने में देन यूमन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उन्होंने बताया है दैट मेंबर स्टेट्स आर ऑब्डिकेटेड टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के कि अभी भी जो मेंबर स्टेट्स हैं हमारे उनको ऐसे बोला जा रहा है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करो भाई इन चीज़ों में जो अपनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इंक्लूडिंग असिस्टिव डिवाइसिस इंश्योरिंग देयर अवेलेबिलिटी एंड यूज ठीक है कि जो असिस्टेड डिवाइसेज है उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाए यहाँ पर ठीक है और उनका यूज़ भी बढ़ जाए ठीक है ताकि किसी को किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े This with the commitment to advancing द राइट्स इंड इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स विद disabilities ठीक है ताकि जो ऐसे इंडिविजुअल्स है disabilities वाले ठीक है उनकी भी यहाँ पर लाइफ को हम बेटर बना सकें तो जो सहायक उपकरण है उसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्या है थी कि जो सहायक उपकरण ऐसे उत्पाद या तकनीकी उपकरण हैं जिन्हें विकलांग व्यक्तियों की कार्यात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया ठीक है उनका लक्ष्य दैनिक जीवन की गतिविधियों में चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता गुणवत्ता जीवन में सुधार करना ठीक है थीके? ताकि वो उनको यूज करके जो उनकी डेली लिविंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके ठीक है तो जो विकलांग व्यक्ति विकलांग व्यक्ति के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने भी ऐसे बोला कि जो ये टेक्नोलॉजी है जो नई नई तकनीक अनुसंधान इनके विकास को उन्होंने बढ़ावा दिया है ठीक है कि इनका विकास जो है होता रहना चाहिए ताकि जो इनकी उपलब्धता है और उपयोग वो बढ़ सके ठीक है सभी तक इसकी उपलब्धता हो और सभी इसका उपयोग करें ऐसा हम सुनिश्चित कर सकें या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उन्हें शामिल करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है ठीक है कि भाई हम विकलांग व्यक्तियों की यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको कैसे अपने समाज में आगे बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर असिस्टेड डिवाइसेस की ठीक है सो एम्बुलेशन एंड मोबिलिटी इससे मिलती है हमें ठीक है जो हमारी महत्वाकांक्षा है जो हमारी मोबिलिटी की हम अपने अलग से हम कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं वो चीज़ें ही हमें प्रोवाइड करती हैं असिस्टेड डिवाइसेस एंड इन एम्बुलेशन प्रोवाइड पॉस्चर सपोर्ट एंड हेल्प विथ पॉस्टिंग ठीक है कि हमें जो मुद्रा संबंधित यहाँ पर सहयोग है वो भी देती है कि कोई चीज़ ठीक है किसी चीज़ की हमें स्थिति निर्धारित करनी होती है वो चीज़ें हमें यहाँ पर यह प्रोवाइड करती है दे कैन रिप्लेस आर कंपनसेट फॉर मिसिंग एंड डिक्रीज फंक्शन ठीक है कोई ऐसा मिसिंग या डिक्रीज फंक्शन होता है ठीक है तो ये उसको भी इंप्रूव कर सकती है यहाँ पर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल मोबिलिटी जिससे हमारी जो ओवरऑल मोबिलिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाती है नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है जो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ है वो हमारी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं सिस्टर डिवाइसेज से बिकॉज तो एम्पावर इंडिविजुअल विद डिसबिल टू लीड लाइफ विद डिग्निटी एज इक्वल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ठीक है ताकि जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी डिग्निटी से अपनी इक्वल जो मेंबर्स हैं उनकी तरह यहाँ पर सोसाइटी में रह सकें बाई एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस दीज डिवाइस सिग्निफिकेंटली इन्हेंस द ओवरऑल क्वालिटी लाइफ ठीक है कि जो चैलेंज uh, किसी व्यक्ति को आ रहा है लाइक सुनने में आ रहा है तो वो हियरिंग एड लेगा ठीक है अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा लाइक स्पेक्स हैं ये भी क्या है असिस्टिव डिवाइसिस ही तो है ठीक है चश्मे जिनसे हम देख सकते हैं ठीक है तो क्या है एक डिग्निटी के साथ हम अपना इंडिपेंडेंटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं तो जो सहायक उपकरणों का महत्व क्या था एक तो महत्वाकांक्षा और गतिशीलता थी कि सहायक उपकरण चलने फिरने में सहायता करते हैं और मुद्रा संबंधी सहायता प्रदान करते हैं और निर्धारण करने में में भी, हमारी सहायता करते हैं वे समग्र गतिशीलता सुधार करते हुए जो लापता या बिल्कुल घटे हुए कार्य हैं उनको भी प्रतिस्थापित या क्षतिपूर्ति उनकी कर सकते हैं नेक्स्ट है जीवन का स्तर ठीक है कि जो सामाजिक उपकरण है सहायक उपकरण वो विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान सदस्यों के रूप में सम्मान सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त बना दे ठीक है सम्मान के साथ तब कब जिएंगे जब मतलब उनके पास सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी उनको किसी दूसरे व्यक्ति की हमेशा नीड नहीं होगी ठीक है तो वो अपना सम्मान से जी सकते हैं विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करके ये उपकरण जीवन की जो समग्र गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करते हैं सेल्फ हेल्प एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस सो अडेप्श अडेप्टन मेन ऑन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल यूटेंसिल्स या क्लॉथिंग कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो केयरफुल चूज इन यूटेंसिल्स एंड मटीरियल अडेपेशस्ट विद होल्डिंग लिफ्टिंग एंड मिनिवाइजिंग इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स मेकिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मोर मैनेजेबल ठीक है कि हम यहाँ पर जो लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग है उसके लिए अच्छे यूटेंसिल्स यहाँ पर जो अच्छे मटीरियल को अडेप्ट कर सकते हैं आ, टॉयलेटिंग हो गया स्पेशल एड्स एंड अडेप्टंस एनेबल इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ टू अचीव ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन टॉयलेटिंग ठीक है वहाँ पर जो मतलब ऐसी अडेप्टशन को सोच हो सकती है जिससे टॉयलेटिंग में उनको जहाँ पर ग्रेटर इंडिपेंडेंस जो है डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट को वो यहाँ पर मिल सकती है तो स्व सहायता और संचार उपकरण क्या है कि जो रोज़मर्रा मतलब की वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकताओं को बढ़ावा देते हैं जो खाने और पीने की है कि हम आ, कुछ अपने सावधानी से जो है यूटेंसिल जो बर्तन चूज़ कर सकते हैं उनको चुन सकते हैं कि जो बर्तन और सामग्री अनुकूलन पकड़ने उठाने और अनैच्छिक गतिविधियों कम करने खाने और पीने की अधिक प्रबंधियाँ बनाने में सहायता करती है ठीक है कि हम अपने अकॉर्डिंग की हम कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वैसे चीज़ें लाएं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे दिखाई नहीं देता या मैं वहाँ पर कांच के बर्तन लेके उनका यूज़ कर रहा हूँ राइट नेक्स्ट शौचालय तो जो विशेष सहायता और अनुकूलिंग बौद्धिक विकलांगता व्यक्ति को शौचालय में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में ये जो असिस्टिव डिवाइसेज है वो सक्षम बनाती हैं नेक्स्ट है ड्रेसिंग थ्रू मटीरियल अडेप्टशंस एंड थाटफुल क्लॉथिंग सेक्शन ड्रेसिंग चैलेंजेस सच एस होल्डिंग एंड पुलिंग कैन बी एड्रेस्ड टू फेसिलिटेट इंडिपेंडेंस ठीक है कि जैसे पकड़ के हम कपड़ों को खींचते हैं अब डालने के लिए तो उनमें भी जो है इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल सकती है असिस्टेड टूल से तो जो सामग्री अनुकूलन और विचारशील कपड़ों का चयन के माध्यम से स्वतंत्रता की सुविधा के लिए ड्रेसिंग चुनौती जैसे पकड़ना और खींचना को संबोधित किया जा सकता है इन चीज़ों को भी हम असिस्टेड डिवाइसेस की हेल्प से कम कर सकते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है असिस्टिव डिवाइसेस का सो असिस्टिव डिवाइसेस प्लेस अ क्रूशल रोल बाय एनेबलिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ ठीक है जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं उनकी एजुकेशन है उसको सपोर्ट करते हैं जो मोबिलिटी उनको स्वतंत्रता मिल जाती है काम कर सकते हैं एंड एंगेजमेंट इन लीशर एक्टिविटीज़ ठीक है उसके साथ साथ जो उनको और भी एक्टिविटीज़ है उनमें भी वो एंगेज कर सकते हैं ठीक है जो भी चीज़ें उनको पसंद होती हैं प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ठीक है इंक्लूसिविटी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी वाली भावना ये उनको प्रोवाइड करते हैं सो इन समरी असिस्टिव डिवाइस सर्व एज असेंशियल टूल्स दिट इम्पावर इंडिविजुअल्स विद डिबिलिटीज टू ओवरकम चैलेंजेस फोस्टिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव सोसाइटी ठीक है कि वो अपने चैलेंज को यहाँ पर ओवरकम कर सकें और एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी यहाँ पर वो बना सकते हैं ये सब किसकी हेल्प से हुआ यहाँ पर हमारा असिस्टिव डिवाइसिस की हेल्प से तो जो समग्र प्रभाव अगर हम देखें सहायक उपकरण का तो वो क्या किन किन चीजों में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति उनको दैनिक गतिविधि है वो अपने अच्छे से कर सकती हैं ठीक है शिक्षा गतिशीलता कार्य ठीक है और अवकाश जैसी गतिविधियों में वो अपने अच्छे से संलग्न हो सकते हैं समावेशता स्वतंत्रता और गरिमा को उनको बढ़ावा मिलता है ठीक है जब उनको हर चीज छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता तो गरिमा से अपना एक जीवन जी सकते हैं संक्षेप में जो सहायक उपकरण है आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं जो विकलांग व्यक्तियों को जो चुनौतियां हैं उनसे उभरने के लिए सशक्त बनाते हैं और अधिक समावेशी और सहायक समाज को बढ़ावा देता है ठीक है यहाँ पर आप अवकाश की जरह आराम भी लिख सकते हैं ठीक है लीशर मतलब आराम कि जो हम चीजें आराम से कर सकते हैं उनमें भी हाँ ये चीजें समर्थन देती है नेक्स्ट है हमारा अडेप्टन तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे इंक्लूसिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की स्टूडेंट इज कंसिडर्ड टू हैव इंटलेक्चुअल डिसिबिलिटी इफ़ दे कंसिस्टेंटली एग्जिबिट सर्टिन लर्निंग सोशल एंड बिहेवियर पैटर्न टू अ मार्क एक्सटेंट और ओवर अ प्रोलोंग पीरियड ठीक है कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट उनके लर्निंग में सोशल या बिहेवियल कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं ठीक है थेके? एक एक्सटेंट तक या बहुत लंबे पीरियड से चली आ रही है तो उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं एज अ पर्सन विद इंटलेक्चुअल डिसेबिलिटी

तो वो यंग उससे जो यंगर चिल्ड्रन है उनकी तरह उसका बिहेवियर यहाँ पर रह जाता है ठीक है तो अगर ऐसा कोई पर्सन होता है तो उसको हम रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी राइट तो जो अनुकूल है ना उसके लिए हमने पहले देखा कि बौद्धिक विकलांगता की परिभाषा है कि जो लगातार लंबे समय तक कुछ सीखने या सामाजिक व्यवहारिक पैटर्न जो है उसका अच्छा नहीं होता है बच्चे का ठीक है जो उसका बौद्धिक स्तर है सामाजिक संचार और दैनिक जीवन है कौशल वो भी बिगड़ा हुआ है ठीक है उनको वो अच्छे से चीज़ों से नहीं कर पाता तो हम इसको बौद्धिक विकलांगता की कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को रखते हैं ठीक है अब इनमें जो टारगेटेड एरिया है अडेप्टेशन के वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो फंक्शनल अकेडमिक्स हम देख लेते हैं पहले सो अडेप्ट अकेडमिक करिकुलम टू फोकस ऑन फंक्शनल स्किल्स दैट आर एप्लीकेबल टू डेली लाइफ ठीक है कि हमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले उनको जो है बहुत टॉपर पहचाना है पहले हमें देखना है कि जो फंक्शनल स्किल्स हैं जो उनके डेली लाइफ में यहाँ पर यूज़ होते हैं हमें उन चीज़ों को इन बच्चों की इम्प्रूव करना है एम्फोसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज सच सचेज रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बेसिक मैथ फॉर रियल लाइफ सिचुएशन एंड फंक्शनल राइटिंग स्किल्स ठीक है हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है ऐसे बच्चों को जैसे उनको कोई इन्फॉमेसन लेनी है तो उसके लिए वो रीड आउट कैसे कर सकते हैं कैसे पढ़ सकते हैं बेसिक मैथ जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए होता है लाइक उनको किसी चीज़ की शॉपिंग करनी है कोई चीज़ें ख़रीदनी है सेल करनी है ठीक है जो बेसिक लाइफ स्किल्स है वो हमें सिखानी है जो बेसिक मैथ यूज होता है हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में और जो फंक्शनल राइटिंग स्किल्स है ठीक है उन पर हमें पहले ध्यान देना है ऐसी चीज़ें हमें अडेप्ट करनी है उसके अकेडमिक्स में टेलर लर्निंग एक्टिविटीज़ टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़ एंड पेस इंश्योरिंग अ प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस ठीक है ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर उस बच्चे को रखना है जिसका जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसके डेली लाइफ में भी काम आए ठीक है थीके? और एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर बच्चे को हो तो जो कार्यात्मक शिक्षावि ठीक है यहाँ पर हमें रखना है उसके अनुकूलन के लिए ताकि जो दैनिक जीवन में लागू होने वाले कार्यात्मक कौशल है उन पर हम ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें और शैक्षिक पाठ्यक्रम उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है ठीक है कि जो हमारे यहाँ पर दैनिक होने वाले जो कार्य हैं ठीक है ठेके? उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान पर हमें जोर देना है जैसे कि जानकारी के लिए पढ़ना वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए जो बुनियादी गणित यूज होता है ठीक है जो सब्ट्रैक्शन एडिक्शन मल्टीप्लीकेशन जो बेसिकली हमारे रियल लाइफ में यूज़ होती हैं और जो कार्यात्मक लेखन कौशल है उस पर कौशल है उस पर ध्यान देना है साथ ही साथ सीखने की गतिविधियों को व्यक्ति की क्षमताओं और गति के रूप अनुरूप बनाना ठीक है ठीके? कि व्यक्ति किस की कितनी क्षमता है कितना वो सीख सकता है ठीक है और किस गति से वो सीख सकता है ठीक है ऐसा हमें यहाँ पर जो है उसका पाठ्यक्रम बनाना है और एक व्यवहारिक और सार्थक सीखने का अनुभव उसको सुनिश्चित करना है ताकि वो पॉजिटिवली जो है इन चीज़ों को सीख सके जर्नल वर्क हैबिट्स ठीक है जो सामान्य उसकी कार्य आदतें हैं उनमें कैसे अडेप्टन करनी है प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ऑफ असेंशियल वर्क हैबिट्स इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस इन वेरियस एनवायरमेंट ठीक है जो भी चीज़ें जो ऐसे असेंशियल वर्क हैबिट्स हैं जो उसकी इंडिपेंडेंस या सक्सेस में यहाँ पर कोई रोल प्ले कर रही है तो हमें पहले उन चीज़ों को सिखाना है ठीक है जिससे उसको स्वतंत्रता और सफलता में योगदान मिल सके टीच टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टास्क कंप्लीशन स्किल्स ठीक है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है किसी चीज को चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे करना है या जो टास्क कंप्लीशन स्किल्स है वो हमें यहाँ पर उनकी जो जनरल uh, हैबिट है उनमें सिखाना है कि जो समय प्रबंधन संगठन और कार्य को पूरा करने का कौशल हमें बच्चों को सिखाना है प्रोवाइड कंसिस्टेंट रूटीन्स एंड क्लियर एक्सपेक्टेशं टू प्रमोट अ स्ट्रक्चर्ड एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट ठीक है जो हमें एक कंसिस्टेंट uh, रूटीन देना ठीक है ऐसा नहीं है कि हम उसको डेली डेली चेंज कर रहे हैं और एक क्लियर एक्सपेक्टेशन ठीक है कि हम बच्चे से क्या एक इस रूटीन के थ्रू हम क्या बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं उसका हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके लिए हमें एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है तो एक संचरित और सहायक शिक्षक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत दिनचर्या और स्पष्ट अपेक्षाएँ बच्चे को हमें प्रदान करनी है नेक्स्ट है कैरियर अवेयरनेस ठीक है कि करियर के लिए उसकी जागरूकता को हम यहाँ पर कैसे अडेप्ट करा सकते हैं इंट्रोड्यूस बेसिक कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ कैरियर अवेयरनेस एंड एक्सप्लोर वेरियस वोकेशनल पॉसिबिलिटीज ठीक है तो जो करियर की जागरूकता है उसकी जो बुनियादी अवधारणा है हमें उनका परिचय देना है और साथ ही साथ जो विभिन्न व्यवसायिक संभावनाएं हैं उनका हमें पता लगाना है ठीक है कि क्या क्या अभी और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस गेस्ट स्पीकर्स एंड फिल्टर तो जो उसके व्यावहारिक अनुभव हैं वो हमें उनको अच्छे से कराना है ठीक है किसी अतिथि को हम बुला सकते हैं कुछ चीज़ें बताने के लिए या क्षेत्र यात्राओं के माध्यम से ठीक है कहीं एक्सप्लोर करने के लिए उनको हम पिकनिक्स पर लेके जा सकते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव उन बच्चों को यहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकें नेक्स्ट है फोस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट ठीक है कि उन बच्चों को पता लगे कि भाई हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है ठीक है ऐसी चीज़ें उनमें डेवलप करनी ताकि वो अपने आप को यहाँ पर जान सके टू गाइड फ्यूचर करियर चॉइसेस ठीक है जिससे उनको पता लगे कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है मेरा इंटरेस्ट क्या है तो इसके अकॉर्डिंग uh, मुझे अपने फ्यूचर में क्या चॉइस यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए तो जो भविष्य के, के करियर विकल्पों का मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत शक्तियाँ और जो रुचियाँ हैं उनके समझ को हमें इन बच्चों के लिए बढ़ावा देना चाहिए अडेप्टंस एंड टेक्निक्स ठीक है कि अडेप्टन uh, कैसे कर सकते हैं कि टेक्निक्स क्या क्या यहाँ पर हो सकती हैं यूटिलाइज अ वेराइटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स टेलर टू द इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल पेस एंड स्टैंड ठीक है कि किसी इंडिविजुअल के यहाँ पर जैसा लर्निंग स्टाइल है जिस गति से वो या जिस जो जो उसके पास स्ट्रेंथ है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी जो है टीचिंग uh, टेक्निक्स को चेंज करेंगे ठीक है और उस टाइम को जो है यूज़ करेंगे इनकॉपोरेट विजुअल एड्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग ठीक है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनसे कराएंगे ठीक है कि वो खुद करके सीखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उनको देंगे देन ऑफर रिपिटेशन एंड री एनफोर्समेंट ऑफ सॉलिडिफाइन लर्निंग ठीक है उनको ऐसे रिपिटेशन ऑफर करना है ताकि जो उन्होंने सीखा है उसको वो है और भी पक्का यहाँ पर कर सके प्रोवाइड ए सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट दैट इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंट्रेक्शन ऐसा हमें इन्वायरमेंट बनाना है यहाँ पर अपने क्लासरूम का भी जिससे उनका जो पार्टिसिपेशन और सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर वो बढ़ सके कोलाबोरेट विद सपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज स्पेशल एडुकेशन प्रोफेशनल्स एंड केयर गिवर्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रहेंसिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ठीक है हमें कोलाबोरेट करना है जो सपोर्ट सर्विसेज बच्चे को कोई प्रोवाइड करा रहा है स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स है ठीक है और जो केयर गिवर्स हैं इन सभी के साथ हमें कोलाबोरेशन करना है मिलजुल कर कार्य करना है ताकि एक जो अच्छा और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है ठीक है कि बच्चे की जरूरतें क्या हैं उनका हम ध्यान रख सके ठीक है और उसकी जो नीड्स हैं उनको हम जरूरतों को पूरा कर सके तो जो अनुकूल के लिए क्या क्या तकनीकें हम यूज़ कर सकते हैं व्यक्ति की सीखने की शैली गति और शक्तियों के अनुरूप हम जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकें हैं उनका उपयोग करेंगे समझ बढ़ाने के लिए दृश्य सहायता व्यवहारिक गतिविधियाँ और वास्तविक जीवन के उदाहरण में शामिल करेंगे ठीक है कि जो वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं और व्यवहारिक गतिविधियाँ उसकी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि उनको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहे सीखने को ठोस बनाने के लिए दोहराव और सुदृढ़ का सुदृढ़ीकरण की पेशिश करें ठीक है कि उस चीज़ को बार बार अगर रिपीट करेंगे दोहराएंगे तो वो चीज़ें उनकी और भी ज़्यादा यहाँ पर पक्की हो जाएंगी एक सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण प्रदान करें जो भागीदारी और सामाजिक संकल्प को प्रोत्साहित करे वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें में भागीदारी भी ले रहे और सामाजिक संपर्क भी उनका अच्छे से हो रहा है देन नेक्स्ट है हमारा एक व्यापक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनाने के लिए सहायता सेवाओं विशेष शिक्षा पेशेवरों और देखभाल करने वालों के साथ हमें सहयोग करना है ठीक है कि जो हमारे उस बच्चे की सहायता दे रहा है जो विशेष शिक्षक पेशेवर है कोई ठीक है उसकी देखभाल करना है तो इन तीनों को जो है यहाँ पर कोलेब्रेशन करना है, ताकि जो बच्चे की नीड है यहाँ पर उनको ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके उसके अकॉर्डिंग ये उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके तो अगर हम समरी देखें सो द अडेप्टिंग द क्यूरिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इन्वोल्स टारगेटिंग की एरियाज़ सच एज फंक्शनल अकेडमिक ठीक है तो ऐसे कुछ की एरियाज हो गए जैसे फंक्शनल अकेडमिक हो गया हमारी जनरल वर्क हैबिट्स होगी हमारी करियर अवेयरनेस होगी ठीक है तो ऐसे कैरिकुलम हमें यहाँ पर बनाना है बाय एम्प्लॉइंग अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स इन कोलेबरेटिंग विद सपोर्ट सर्विसज एडुकेटेड कैन क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट दैट कैटर्स टू द यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट ठीक है जिससे जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट की यूनिक जो नीड्स होती हैं उनको यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो संक्षेप में बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को अपनाने में कार्यात्मक शिक्षा विवाद और शिक्षाविदों सामान्य कार्य आदतें और कैरियर जागरूकता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करना यहाँ पर शामिल है ठीक है कि हमें अपना लक्ष्य जो है इन पर रखना चाहिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों को नियोजित करने और सहायक सेवाओं के साथ सहयोग करके शिक्षा एक समावेशी और सहायक शिक्षक वातावरण शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो प्रत्येक छात्र की जो विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं उनको यहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन प्लान ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या है सो द इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं इंडिविजुलाइज्ड एज अ प पर्सनलाइज एंड टेलर्ड एजुकेशन प्रोग्राम ठीक है एक पर्सनली जो स्टूडेंट स्पेसिफिक स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस फेस्ड बाई स्टूडेंट्स विद मेंटल ट्राइडेशन जिस बच्चों को मेंटल ट्राइडेक्शन होती है इस एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए जो हम टास्क बनाते हैं उसकी एजुकेशन को जहाँ पर प्लानिंग करते हैं And it is particularly crucial in inclusive settings where the focus is on integrating the learning needs of children and without disabilities, right? So the IEP aims to address children uh, challenges at the foundational level, emphasizing functional academics to promote independence in real-world setting. ठीक basically sixteen years इंडिविजुअलाइज्ड ये एक्शन एडुकेशन प्लान यहाँ पर बना देते हैं जिससे हम देखते हैं कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट क्या है उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट कितनी है ठीक है या उसको जो है आगे अपने करियर में क्या क्या चीजें करनी है ये कंप्लीट प्लान हम उसको बनाकर देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स तो व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षा योजना की परिभाषा हमने देखी ठीक है तो एक व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम बनाते हैं जो व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षक की योजना है जैसे जो मानसिक वाले छात्र हैं, उनके सामने आने वाले विशेष सीखने की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है यह समावेश सेटिंग्स के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ विकलांग और विकलांग बच्चों के सीखने के हितों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है आईईपी का उद्देश्य वास्तविक दुनिया में सेटिंग में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना ठीक है कि वास्तविक दुनिया में भी जो है ऐसे बच्चे स्वतंत्रता से जी सके और कार्यात्मक शिक्षाविदों पर जोर देते हैं ठीक है भाई कि यहाँ पर जो चैलेंजेस आते हैं उनको हम कैसे यहाँ पर उनका समाधान कर सकते हैं तो पहले है फंक्शनल रीडिंग जो कार्यात्मक पढ़ना है तो इसको हम देखते हैं अपने एडुकेशन प्लान में फंक्शनल रीडिंग इन वो स्टूडेंट्स एक्शन और रिस्पॉन्स

छात्र की गतिविधियाँ या प्रतिक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं जो वास्तविक सामुदायिक सेटिंग्स में रखने सीखे गए कौशल के अनुप्रयोग पर जोर देती हैं पढ़ने के लिए चयनित शब्द यहाँ पर कार्यात्मक होने चाहिए जिससे पाठक सामुदायिक जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और पढ़ना व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के साथ साथ, साथ सामुदायिक गतिविधियों में भी उसकी जो भागीदारी है उसको सफल बना सके नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल राइटिंग की कार्यात्मक लेखन सो रिटन एक्सप्रेशन इज़ अ वाइटल रोल ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक है कि जिसमें आँख के साथ साथ हमारा हाथ का कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम कुछ चीज़ें लिखते हैं हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन uh, होता है सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिम्बल्स जैसे हम जो सिम्बल्स होते हैं कोई पिक्चर है लेटर्स है नंबर्स है वर्ड्स है पंचुएजन है उनको हम समझ पाते हैं ये कि किसके लिए हो रहा है हमारी राइटिंग से ही तो समझ पाते हैं हम चीज़ों को सो सम राइटिंग टास्क नेसेसिट्स लेफ्ट टू राइट ओरिएटेशन इन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ठीक है कुछ तो ऐसा ऐसा होता है जो हम हॉजोंटल डायरेक्शन में लिखते हैं ठीक है लाइक like हमारा इंग्लिश का वर्क हो गया ठीक है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे लाइक सच एस राइटिंग वर्ड्स वाइल अदर रिक्वायर वर्टिकल ओरिएटेशन लाइक ठीक है ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा लेकिन जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो गया मैथ्स में ठीक है लाइक ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी टू ही हो गया तो हम इनको कैसे लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे ठीक है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम इनको लिखेंगे तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है तो जो कार्यात्मक लेखन है उसमें लिखित अभिव्यक्ति संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके लिए आँख हाथ समन्वय व मोटर समन्वय दीक्षा की भाव दिशा की भावना और प्रतीक जैसे कोई चित्र है अक्षर है संख्या है शब्द है या विराम चिन्ह आदि है उसकी हम पहचान यहाँ पर कर लेते हैं और कुछ लेखन कार्यों के लिए क्षैतिज दिशा दिशा होती है कि जब से दाएं की तरफ जाते हैं उसमें से अभिविन्यास की आवश्यकता होती है जैसे कि शब्द लिखना हो गया जबकि अन्य को यहाँ पर लंबवत अभिविन्यास की आवश्यकता होती है कि उनको हम वर्टिकली लिखते हैं जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हमारा मैथ्स का वर्क हो गया जैसे अंक गणित समस्याओं में जैसे या घटाव है उनको हम क्या रखते हैं लंबवत अभिविन्यास की उनमें आवश्यकता होती है सो so, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल एथमेटिक सो नंबर ट्रीज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेली लाइफ इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग द नेगोशिएशन एंड क्वांटिटीज ठीक कैसे हम किसी चीज को नेगोशिएट करते हैं उनकी क्वांटिटीज को हम कैसे जान पाते हैं सो फंक्शनल मैथेमेटिक्स है जिसको स्वर्ड्स और बर्ड ने यहाँ पर डिफाइन किया था नाइनटीन एटी थ्री में रेफर्स टू द यूज़ ऑफ मैथेमेटिक्स नीड्स फॉर वोकेशनल कंज्यूमर सोशल रिक्रिएशनल एंड होम मेकिंग एक्टिविटीज ठीक है क्या हमें अपनी डेली लाइफ में भी बेसिकली uh, मैथ की जरूरत क्या है ये यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं एट द प्री स्कूल एंड प्राइमरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट एंगेज इन काउंटिंग वेरियस एलिमेंट्स सच एज बॉडी पार्ट्स क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स फैन ब्लेड्स एनिमल लेग्स टेबल कॉम्पोनेंट्स एंड फिंगर ऑन वन हैंड ठीक है तो जब बच्चा प्री स्कूल में होता है तो वो क्या करता है ऐसे ही चीज़ों में एंगेज रहता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को काउंट करता है कि एक फ़ैन में कितने ब्लेड्स हैं एनिमल्स के कितने यहाँ पर लेग्स हैं टेबल के कॉम्पोनेंट्स हैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर वो काउंट करने का ट्राई करता है तो संख्याएँ भी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मात्राओ और समझौते से जुड़े संचार को प्रभावित करती हैं ठीक है ठीके? कि हमें किसी चीज की मात्रा का यहाँ पर पता चल सकता है कि कितना अमाउंट है कितनी क्वांटिटी उसकी है कार्यात्मक गणित जैसा कि स्वर्ड्स और बर्ड ने 1983 में परिभाषित किया था व्यावसायिक उपभोक्ता सामाजिक मनोरंजक और घर निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक गणित के उपयोग को संदर्भित करता है कि कैसे हमें अपनी डेली लाइफ में भी इन चीजों की आवश्यकता होती है मैथ से रिलेटेड तो शिक्षा के पूर्व स्कूली और प्राथमिक स्तर पर हमने देखा है कि जो छात्र विभिन्न तत्व हो गए या शरीर के अंग कक्षा की वस्तुएं पंखे के ब्लेड हो गए जानवरों के पैर टेबल के घटक या एक हाथ की उंगलियां ठीक है ऐसे कामों को गिनने में संलग्न होते हैं ठीक है कि वो यहाँ पर अपना अर्थमेटिक को जो है स्ट्रोंग बनाने में लगे हुए होते हैं सो इन समरी फंक्शनल एडुकेशन इन रीडिंग राइटिंग एंड ऑर्थमेटिक इज टीलर टू रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर कम्युनिटी लिविंग ठीक है तो अगर हम देखें यहाँ पर तो पढ़ने लिखने और अंक गणित में जो कार्यात्मक शिक्षा वास्तविक जीवन के अनुरूप अनुप्रयोगों के अनुरूप है कि कैसे हमें अपनी रियल लाइफ में भी उनकी जरूरत होती है जो सामुदायिक जीवन के लिए स्वतंत्रता और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देती है ओके तो ये यहाँ पर था हमारा आई एंड फर्दर अगर आपको आई ज़्यादा डिटेल में करना है तो हमारी न्यूरो डेवलपमेंट वाली हमने सेकंड यूनिट में ही इसको कवर किया है तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं उसका जो है कंटेंट इससे बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है हमने ऐसे नहीं किया है कि आपको एक ही कंटेंट दोबारा दिखाया गया तो उस कंटेंट को भी आप इसमें रिलेटेड कर सकते हो कि कैसे हम एक जो आई ठीक है बच्चे के लिए यहाँ पर डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है तो जो न्यूरो डेवलपमेंट वाली सेकेंड यूनिट है उसमें हमने उसको कवर किया है नेक्स्ट है हमारा पर्सन सेंटर्ड प्लान ठीक है कि एक पर्सन सेंटर्ड प्लान हम कैसे बनाएंगे सो इट इज़ अ हॉलिस्टिक अप्रोच अ पर्सन सेंटर्ड प्लान इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस डिजाइंड टू प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू एन इंडिविजुअल ठीक है कि कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी हम ऐसा किसी इंडिविजुअल को एक यहाँ पर पर्सनल सेंटर्ड प्लान प्रोवाइड करते हैं रिकॉग्नाइजिंग देयर डिजायर्स कि उसके डिज़ायर क्या, क्या है उसके इंटरेस्ट क्या है एंड विजन क्या है उसका नई पॉसिबिलिटीज का अपने फ्यूचर में ठीक है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हम उसके लिए प्लान यहाँ पर बनाते हैं इनिशिएटेड बाय बेथ माउंट एन के इन 1988 पर्सन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एट हेल्पिंग इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज प्लान एंड शेप देर फ्यूचर ठीक है तो जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनके लिए चीज़ें प्लान करते हैं ताकि जो उनका फ्यूचर है उसको ए, एक ब्राइट उनका फ्यूचर बना सके ठीक है उनके लिए होता है ये बेसिकली कि उनके फ्यूचर की गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है ठीक है कि उनके क्या क्या नीड्स है क्या क्या कि किसी बच्चे में स्ट्रेंथ है जिनके अकॉर्डिंग वो अपना फ्यूचर का स्कोप यहाँ पर डिसाइड करते हैं तो व्यक्तिगत जो केंद्रित योजना है यहाँ पर वो हमने देखा एक समग्र दृष्टिकोण है क्योंकि व्यक्तिगत केंद्रित योजना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने उनकी इच्छाएं जो रुचियां हैं उनको पहचान पाते हैं हम उससे और उसके भविष्य के लिए जो नई संभावनाएं हैं उनकी कल्पना करके डिजाइन किया जाता है कि भाई इसके लिए क्या क्या फ्यूचर में ऑप्शन अवेलेबल हैं सो so, नाइनटीन एटी में बैथ माउंट और के ज्वैलिक ने इसकी शुरुआत की थी और व्यक्ति केंद्रित योजना एक सत समस्या समाधान दृष्टिकोण है इसका उद्देश्य क्या है कि जो विकलांग व्यक्ति उनके लिए ऐसी योजना बना दें ताकि उनके भविष्य को एक आकार देने में वो उनकी हेल्प कर सके की कॉम्पोनेंट्स इसके क्या है फर्स्ट है टीम फोकस सो इन पर्सन सेंटर प्लानिंग अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द फोकस पर्सन गैदर्स टू डिलीव इन टू द इंडिविजुअल्स विजन फॉर द फ्यूचर ठीक है तो इसमें टीम पूरा फोकस करती है इंडिविजुअल पर ठीक है कि मान लो इस इंडिविजुअल के हमें कोई प्लान बनाना है ठीक है ये एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं हम बिल्कुल इसकी तरह से ही सोचते हैं इसको हम पहले तो यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि भाई इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है एबिलिटीज़ क्या है ठीक है इससे पूछते हैं भाई इनके डिज़ायर्स क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर उसके लिए प्लान बनाते हैं सो दिस टीम वर्क्स कोलाबरेटिवली टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर द फोकस पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप्स एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड एनहेंस कंट्रोल ओवर देयर लाइफ ठीक है so तो जो एक पूरी टीम है वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करती है कि भाई इसने चलो इसकी जो डिजायर है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या वो अपॉर्चुनिटीज इस बच्चे के लिए यहाँ पर सही है या नहीं है ठीक है कि क्या इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो उस अपॉर्चुनिटी को ये अच्छे से टैकल कर सकता है तो ये टीम जो है वहाँ पर कोलेबरेटिवली आइडेंटिफाई करती है ठीक है और फोकस करती है कि जो डेवलपमेंट uh, है पर्सनल रिलेशनशिप्स की वो उस इंडिविजुअल में कैसी है जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चा कितना पार्टिसिपेट यहाँ पर करता था और जो उसका कंट्रोल है अपनी लाइफ पे वो कितना है तो जरूरी भाग हमारा पहले होता है टीम का फोकस जिसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति केंद्रित योजना में फोकस व्यक्ति सहित व्यक्तियों की एक टीम भविष्य के लिए व्यक्तिगत व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए एकत्रित होती है कि जो किसी कोई पर्सन है उसके लिए हमें एडुकेशन प्लान बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो टीम जो है सोचती है उसका दृष्टिकोण बेसिकली यहाँ पर वो टीम लेती है ठीक है उसके लिए इकट्ठे होते हैं और साथ ही साथ ये टीम फोकस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संबंध विकसित करने समुदाय गतिविधियों में शामिल होने और अपने जीवन पर नियंत्रित बढ़ाने के अवसरों की पहचान करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं ठीक है कि कैसे यहाँ पर जो ये बच्चा है अपने व्यक्तिगत संबंध को विकसित कर सकता है समुदाय की गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है और इसके जीवन पर जो है इसका नियंत्रण वो बढ़ सकता है कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ठीक है जो प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन है सो द सक्सेस ऑफ पर्सन सेंटर प्लान रिलायज ऑन द कमिटमेंट ऑफ द टीम जेनुअनली केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ दर्सन ठीक है कि कोई जो हम हाँ पर्सनल सेंटर प्लान है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि भाई उसके टीम के मेम्बर्स ने कितना जेन्यूनली इस प्रोग्राम को बनाया है ठीक है कि उन्होंने कैसे जो है वेलबींग well उस फोकस्ड uh, पर्सन की यहाँ पर सोची है तो जो व्यक्तिगत केंद्रित योजना है उसकी सफलता टीम के सदस्यों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है कितने कि, कितना डेडिकेटेडली उन्होंने ये चीज़ें बनाई है कितना ध्यान से जो वास्तव में जो फोकस्ड व्यक्ति है उसकी भलाई की प्रवाह करते हैं सो दैट टीम टेक्स कंक्रीट एक्शंस टू इंश्योर दैट द स्ट्रेटजीज डिस्कस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग मीटिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड ट्रांसलेटिंग आइडियाज इंटरव्यूलिटी ठीक है so reality, तो ये जो टीम है उसको सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यवाही करती है कि जो योजना उन्होंने बनाई है उसके दौरान जो चर्चा में जो रणनीति या जो स्ट्रेटजीज यहाँ पर बनाई गई थी उनको लागू किया जाए और विचारों को वास्तविकता में यहाँ पर अनुवादित किया जाए की जो चीज़ें उन्होंने बताई है ना उनको रियल लाइफ में भी वो बच्चे यहाँ पर करें पर्पज यहाँ पर क्या है कि एक यूनिक पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग हम क्यों देते हैं तो यूनिक पर्सपेक्टिव हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं इट ऑफर्स अ फ्रेश एंड डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट एन इंडिविजुअल मूविंग बियॉन्ड कन्वेंशनल असिस्मेंट टू अंडरस्टैंड द टोटल पर्सन ठीक है एक ये अच्छा यूनिक परस्पेक्टिव देता है बच्चे के लिए प्रति ठीक है कि उसको अपनी लाइफ को यहाँ पर कैसे देखना है एम्पावरमेंट उसकी हो जाती है तो द प्राइमरी गोल इज टू असिस्ट द फोकस पर्सन इन गेनिंग कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ ठीक है कि जो एम्पावरमेंट बच्चे की इतनी हो जाए कि जो अपनी लाइफ का खुद का कंट्रोल है ना वो बच्चे के हाथ में हो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके फोस्टिंग इंडिपेंडेंस इन सेल्फ डिटर्मिनेशन ठीक है उसको यहाँ पर आजादी मिल सके और सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको मिल सके तो जो व्यक्तिगत केंद्रित योजना उसका उद्देश्य क्या है पहला है अनोखा परिप्रेक्ष्य कि एक संपूर्ण व्यक्ति को समझने के लिए पारंपरिक आकलन से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति को देखने का एक नया और अलग तरीका प्रदान करते हैं कि भाई उसकी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं कि उनको एक नया नज़रिया यहाँ पर मिलता है सेकंड है हमारा सशक्तिकरण कि जो प्राथमिक लक्ष्य फोकस्ड व्यक्ति को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण को यहाँ पर बढ़ावा देने में सहायता करती है कैसे वो अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकता है कैसे स्वतंत्रता मिल सकती है और कैसे उसका जो आत्मनिर्णय वो यहाँ पर बढ़ सकता है नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिकॉज इट एम्स टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर द फोकस पर्सन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी फोस्टिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग ठीक है इससे जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनका इंक्रीज होता है ठीक है क्योंकि जो फोकस पर्सन है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए जो है बोला जाता है अपनी कम्युनिटी में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स ठीक है कि उनके जो ड्रीम्स है या उनके क्या क्या इच्छा डिजायर्स हैं यहाँ पर उनको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपने पर्सनल सेंटर प्लानिंग में प्रायोरिटाइज रिकोगनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर्स इंटरेस्ट एंड ड्रीम ठीक है कि कहाँ उसका क्या क्या उसके डिज़ायर है कहाँ उस चीज बच्चे का इंटरेस्ट है क्या उसके ड्रीम्स हैं इन सभी चीज़ों को इंश्योर करते हैं दैट दिस एलिमेंट्स गाइड द प्लानिंग प्रोसेस ठीक है और ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चे के अकॉर्डिंग ये गाइड करते हैं हमारे पर्सनल सेंटर प्लानिंग को ठीक है दैन कोलाबरेटिव गोल सेटिंग थ्रो अ टीम एफर्ट द प्रोसेस डेवलपिंग अ प्लान द टर्न्स द इंडिविजुअुअल स्ट्रीम इं टू रियालिटी ठीक है ऐसा प्लान यहाँ पर डेवलप करते हैं कि जो उसके ड्रीम है उनको हम रियलिटी में यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैंबलिशिंग प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल गोल ठीक है establish, goal, और यहाँ पर हमें ऐसा गोल नहीं रखने की भी बच्चे ने कुछ भी सोचा और वो हमें बेशक उसके पास वो स्ट्रेंथ है या नहीं या डेवलप कर दिया नहीं ऐसे जो प्रैक्टिकल गोल्स जिनको वो अचीव कर सकता है और अचीवेबल गोल ठीक है जिनको मतलब रियल लाइफ में अचीव करना यहाँ पर पॉसिबल हो ऐसे ही गोल्स हमें अपनी पर्सन सेंटर प्लानिंग में रखने होते हैं तो सामाजिक सहभाग इससे बच्चे का बढ़ता है ठीक है जो बच्चे का फोकस व्यक्ति जो फोकस व्यक्ति है व्यक्ति के लिए अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने बढ़ावा देने के भी यहाँ पर अवसर इंक्रीज होते हैं बढ़ते हैं दूसरा इच्छा और सपनों की पहचान कि व्यक्ति केंद्रित योजना व्यक्तिगत इच्छाओं उनकी जो रुचियाँ हैं या सपनों की पहचान को प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित करते हुए कि ये तत्व योजना प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं नेक्स्ट है, है संयोगात्मक लक्षण निर्धारण कि जो एक टीम प्रयास के माध्यम से इस प्रक्रिया में ऐसी योजना विकसित करना शामिल है जो बच्चे के सपनों को वास्तविकता में बदलता कि जो उसका सपना है वो उसको रियल लाइफ में मिल जाए उसको पूरा कर सके व्यवहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि बस बच्चे ने सोचा और इमेजिनेशन में उस टीम ने भी ऐसा कोई लक्ष्य बना दिया नहीं जो प्राप्त करने योग्य केवल लक्ष्य है उन्हीं को यहाँ पर वो टीम जो है बनाती है सो इन एसेंस पोस्टन सेंटर प्लानिंग इज नोट जस्ट अ प्रोसीड्यूरल एक्सरसाइज इट इज़ अ फिलोसफी दैट वैल्यूज द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड सीक्स टू एम्पावर डैम टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ अलाइन विद देयर एस्पिरेशन कि अगर हम यहाँ पर देखिए संक्षेप में तो जो व्यक्ति केंद्रित योजना है केवल एक प्रक्रियात्मक अभ्यास नहीं ठीक है कि कोई प्रक्रिया हमने उसको बस फॉलो किया है यह एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को महत्वपूर्ण देता है कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति में क्या क्या इंपोर्टेंस है ठीक है क्या क्या विशेष चीज़ें हैं और उनकी जो आकांक्षाएँ हैं उनको एक अनुरूप और एक पूर्ण पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है ठीक है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीकों से जी अपना एम वो यहाँ पर पूरा कर सके नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्किल एडुकेशन ठीक है ये जो लाइफ स्किल एडुकेशन है स्टूडेंट्स विद स्पेशल विदेश ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ पर स्पेशल नीड्स है सो लाइफ स्किल एजुकेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स प्रोवाइडिंग दैम वैल्यूएबल टूल्स टू लिव मोर इंडिपेंडेंटली एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर ठीक है ये ऐसे वैल्यूएबल टूल्स इनको प्रोवाइड करते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट होते हैं ताकि जो डिपेंडेंसी है इनके और वो यहाँ पर रिड्यूस हो सके एंड द एजुकेशन प्रोग्राम फोकस ऑन डेवलपिंग अ रेंज ऑफ स्किल्स दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू क्रिएट प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ ठीक है कि जो अपने डेली लाइफ के जो है स्किल्स में उनको इम्प्रूव यहाँ पर कर सके द स्किल ट्रेनिंग नॉट ओनली इम प्रैक्टिकल नॉलेज बट ऑल्सो प्री प्रसप्शुअल एप्रिशिएटिव एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विद फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स डिसबिलिटीज़ ठीक है इनके साथ साथ एक क्रिएटिव और एक्सपीरियंसिव लर्निंग भी उनकी हो जाती है इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस हियरिंग इम्पेयरमेंट इंटलेक्चुअल डिसबिलिटीज एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटीज ठीक है इन सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो हमारी लाइफ स्किल एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है तो जीवन कुशल शिक्षा क्या है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दी जाती है जीवन कौशल शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सशक्त बनाने और अधिक अधिक, अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए ठीक है उन्हें अधिक स्वतंत्र रूप में जीने के लिए और दूसरों पर जो निर्भरता है उनको कम करने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह शैक्षिक कार्यक्रम में कई प्रकार के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित है जो छात्रों के दैनिक जीवन के लिए व्यवहारिक और लाभ उत्पाद बनाने में सक्षम बनाता है ये कौशल प्रशिक्षण न केवल व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है बल्कि जो अंधपन श्रवण हानि विकलांग बौद्धिक विकलांगता और विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों वाले छात्र हैं इन सहित जो विभिन्न विकलांगता वाले बच्चे हैं उनकी अवधारणात्मक सराहनीय और रचनात्मक अनुभव रचनात्मक अनुभवों में भी योगदान करता है डाइवर्सिटी इन कॉग्नेटिव एबिलिटीज ठीक है जो उनके दिमाग की क्षमता है उसमें यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है उसमें विविधता यहाँ पर हो सकती है सो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एक्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ ठीक है जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती है उनमें एक बहुत वाइड रेंज होती है यहाँ पर कागनेटिव एबिलिटीज़ की भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में यहाँ पर जो काग्नेटिव डेवलपमेंट है काग्नेटिव एबिलिटीज़ है वो यहाँ पर बच्चों के कितनी है वो सब में पैरी करती है फ्रॉम हाई काग्नेटिव डिसेबिलिटीज़ टू लो काग्नेटिव फंक्शन ठीक है हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर काग्नेटिव डिसबिलिटी हो और हो सकता है किसी में बहुत माइन्यूट से यहाँ पर हो सो सम फेस सीवियर डिसेबिलिटीज़ वाइल अदर्स हैव माइल्डर चैलेंजेस ठीक है कुछ हो सकता है कि बहुत सीवियर डिसेबिलिटीज़ हो और कुछ लोगों को जहाँ पर माइल्ड डिसेबिलिटीज हो सकती है तो विकलांग बच्चे संख्यानात्मक क्षमताओं की एक विस्तृत विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं जो उच्च संख्यानात्मक विकलांगता से लेकर कम संख्यानात्मक कार्यशीलता तक भिन्न होती है कुछ को गंभीर विकलांगताओं का कर सामना करना पड़ता है और जबकि अन्य को यहाँ पर हल्के जो है गंभीर हल्की विकलांगताओं तो जो इम्पॉर्टेंस है काग्नेटिव स्किल्स की वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं राइट right? कि इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी काग्नेटिव स्किल्स की काग्नेटिव स्किल्स सर्व एज असेंशियल प्री रिक्वासर्ट फॉर लर्निंग लाइफ स्किल ठीक है कि हमारा अगर दिमाग ही अच्छा से काम नहीं करेगा तो हम जो डेली लाइफ के स्किल्स हैं वो नहीं सीख पाएंगे तो उनको सीखने में ही हमारी मदद करता है पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ठीक है पर्टिकुलरली जो डेली लिविंग की अपनी एक्टिविटीज़ हैं डेली बेसिस पे जो हम करते हैं वो एक्टिविटीज़ भी अगर हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम नहीं सीख पाते हैं देन प्री रिक्वाइसाइड कॉग्नेटिव स्किल्स इंक्लूड अटेंशन ऑब्जर्वेशन मेमरी कॉन्सिक्वेंशल थिंकिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड द एबिलिटी टू सिंथेसाइज लर्न कंसेप्ट विद न्यूमस ठीक है Then, side, memory, thinking, ones, तो इससे जो हमारी अटेंशन हम किसी चीज़ को दे पाते ऑब्जर्वेशन हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं या हमारी जो मेमोरी है वो सारी चीज़ें हमारी जो है कॉन्ग्नेटिव स्किल से ही डेवलप होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी ठीक है या हमारी एबिलिटी होगी किसी चीज़ को सिंथेसाइज़ करने की कोई नए कंसेप्ट सीखने की या जो हमने पहले से सीखा हुआ है अगर हमें उन्हें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो सब हमारे कॉन्ग्नेटिव स्किल से होता है तो संज्ञानात्मक कौशल का महत्व यहाँ पर क्या है कि जो संज्ञानात्मक कौशल जीवन कौशल सीखने के लिए आवश्यक पूर्व अपेक्षाओं के रूप में कार्य करते हैं विशेष रूप से दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हो गया ठीक है उनके संदर्भ में भी ये जो है बहुत यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं जो हमारा अगर माइंड यूज काम नहीं करेगा तो जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट है हमारा पूर्व अपेक्षित संख्यानात्मक कौशल है ठीक है कि हमें जो कुछ चीज़ें पहले से पता है उनमें भी हम यहाँ पर जो आ, पूर्व अपेक्षित संख्यात्मक कौशल है उसकी उस आ, मदद से यहाँ पर उसका अवलोकन स्मृति उसके परिणाम की परिणामी सोच एकाग्रता और जो सीखी गई अवधारणाओं को नई अवधारणाओं के साथ साथ संश्लेषित करने की क्षमताएं भी हमारे अंदर शामिल हो जाती हैं अब है चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंज आते हैं हमारे अपने जो काग्नेटिव स्किल्स में ठीक है अपने दिमाग की जो स्किल्स हैं उनको बिल्ड करने में उनमें क्या क्या यहाँ है पर चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स विद डेफिसिट्स इन बेसिक कागनेटिव स्किल्स मे फेस चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेक्टिव टास्क ठीक है अगर किसी स्टूडेंट uh, का माइंड यहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं है तो उसको जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत वीक होगी प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पाएगा वहाँ पर और जो इंटरेक्टिव टास्क है उनको वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और साथ ही कॉर्डिनेटेड काग्नेटिव स्किल्स आर फंडामेंटल फॉर मीनिंगफुल आउटकम ठीक है ये एक फंडामेंटल है हमारा एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने का ठीक है जो हमारी एक एक्टिविटीज़ है अपने डेली लाइफ में उनको हम अच्छा कर पाते हैं बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द काग्नेटिव स्किल्स तो जब बुनियादी संख्यात्मक कौशल की कमी अगर है तो छात्र को निर्णय लेने में या समस्या समाधान या जो इंटरेक्टिव कार्य है उनमें यहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं साथ ही ए मतलब जो उसकी डेली लाइफ के जो कार्य हैं ठीक है थीके? दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनमें भी सार्थक परिणामों के लिए उसको समन्वित संख्यात्मक कौशल के आवश्यकता होती है वो उसके लिए मौलिक है देन एड्रेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स इन एडीएल ट्रेनिंग अगर हम एडीएल ट्रेनिंग देते हैं उसमें जो कॉग्निटिव स्किल्स को हम कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस uh, करते हैं जो अपना संज्ञानात्मक कौशल है एडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट द डेवलपमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ प्री रिक्वाइसिड कॉपनेटिव स्किल्स ठीक है कि जो हमारे अंदर पहले से ये ऐसे स्किल्स को उसको डेवलपमेंट करें और एनहेंस करें ठीक है ये हमारे एडियल ट्रेनिंग का जो मुख्य लक्ष्य एक एम होता है ठीक है कि वो उसको प्रायोरिटाइज़ करना है कि जो डेवलपमेंट है हमारे अंदर अगर कोई पहले से एबिलिटी है तो उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट करें उसको एनहेंस करें दी स्किल्स इन कम्पैस यूजिंग अटेंशन इफेक्टिवली नीन ऑब्जर्वेशन असोशिएटिंग नेम्स विद पीपल अंडरस्टैंडिंग फंक्शन विथ पर्सनस कनेक्टिंग नेम्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल एंड देयर रोल्स तो इसमें हमें सब चीज़ों को ध्यान देना है ठीक है कि वो जो बच्चे हैं एक अच्छे से नीन ऑब्जर्वेशन कर सके लोगों के नामों के साथ वो उनको रिलेट कर सके ठीक है मतलब बच्चे को जो उसके आसपास है उनके नाम पता होना चाहिए उनके जो फंक्शंस पता होना चाहिए जो उसके आसपास के पर्सन है जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नेम पता होना चाहिए और जो भी कोई भी रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स है उसके मदर फादर ठीक है उनके रोल्स यहाँ पर बताना चाहिए कि उसकी लाइफ में उसका क्या रोल ताकि जो उसके डेली लाइफ अच्छे से सीख सके, उसमें यहाँ पर उसकी कापलेटी, कापलेटी अच्छी हो जाए कि वो उनको पर कर पा रहा है तो एडियल प्रशिक्षण यहाँ पर आप लिखोगे दैनिक दिनचर्या ठीक है दैनिक दिनचर्या वाले कार्यशैली है जो उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्व अपेक्षित संज्ञानात्मक कौशल के विकास और वृद्धि को यहाँ पर प्राथमिकता देना चाहिए साथ ही साथ इन कौशलों में प्रभावी ढंग से ध्यान का उपयोग करना है गहन अवलोकन करना लोगों के साथ नामों को जोड़ना व्यक्तियों के साथ कार्यों को समझना वस्तुओं के साथ नामों को जोड़ना और व्यक्ति और जो उनकी भूमिकाएं उनको पहचानना शामिल है शामिल है कि हमें बच्चे को ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है उनकी एरियल ट्रेनिंग में सो इन एसेंस द लाइफ स्किल एडुकेशन टेलर टू द कॉग्नेटिव नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स इजेंशियल इंडिपेंडेंस एनहेंसिंग डील फंक्शनिंग एंड प्रमोटिंग अस ऑफ सेल्फ एफिशसी बाय्रेसिंग इंडिविजुअल कॉग्नेटिव चैलेंजेस एडुकेटर्स कैन क्रिएट अ मोर इन्क्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवाट फॉर डाइवर्स तो अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन कौशल शिक्षा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने दैनिक कामकाज को बढ़ाने आत्म प्रभाव प्रभावकारिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आवश्यक है व्यक्तिगत संज्ञानात्मक चुनौतियों का समाधान करके शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण यहाँ पर बना सकते हैं कि अगर हम उनकी जो है सपोर्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट उनको बच्चों को दे ठीक है उनमें जो कॉग्नेटिव चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर पहचान लें उनको अच्छे से एड्रेस करें तो एक अच्छा एनवायरमेंट हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं उनको लाइफ स्किल्स यहाँ पर अच्छे से दे सकते हैं नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग सो वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग जो हम देख रहे हैं विद द पर्सन विद डिसेबिलिटीज सो द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जिसमें बोला था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए सभी के राइट्स की एंड फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी का इन नाइनटीन नाइनटी फाइव ठीक है जो हमारा ये पी डब्ल्यू डी एक्ट था स्टैंड्स एज अ सिग्निफिकेंट माइल स्टोन्स इन इंडिया लेजिस्लेशन फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबलिटीज़

एब उनको अच्छे से हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ ट्रांजिशन मॉडल तो उन्होंने एक ट्रांजिशन मॉडल यहाँ पर डेवलप किया है ठीक है कि जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर ट्रांजिशन होता है यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों का तो उनके लिए एक प्लान यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है मॉडल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेंटली चैलेंज एडल्ट टेलर टू द इंडियन कॉन्टेक्स दिस मॉडल कॉम्प्राइजेस फॉर स्टेट स्कूल ट्रेनिंग देन प्लानिंग फॉर द ट्रांजेक्शन किसके ट्रांजेक्शन की प्लानिंग करेंगे प्लेसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट किसको इम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एंड देन ऑनगोइंग गोइंग सपोर्ट सर्विसज उसके साथ साथ जो उसको सपोर्ट सर्विसेज है वो भी उसकी चालू रहने चाहिए तो व्यवसाय प्रशिक्षण और स्वतंत्र जीवन में विकलांग व्यक्ति अधिनियम जिसमें समान अवसर अधिकारों के आरक्षण और पूर्ण भागीदारी की बात की गई थी ठीक है उसमें विकलांग भारतीयों के लिए भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण ठीक है योगदान दिया है इस कानून ने भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान आकर्षित किया है ठीक है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको हम यहाँ पर कैसे ग्रो कर सकते हैं देश भर में कई व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की मौजूदगी के बावजूद विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल से काम और संक्रमण में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया ठीक है कि अगर वो स्कूल से यहाँ पर निकल रहे हैं तो उनकी लाइफ को कोई एनालाइज नहीं करता है ठीक है कोई उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं देता है कि आपको कौन सा करियर यहाँ पर चूज करना चाहिए ठीक है कहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी Uh, कोई सपोर्ट सर्विस उसके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग त, uh, संस्थान है जो उन्होंने भारतीय संदर्भ के अनुरूप मानसिक रूप से विकलांग व्यस्कों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और जो रोजगार है उसके लिए एक संक्रमण मॉडल विकसित किया है इस मॉडल में चार चरण शामिल हैं स्कूल प्रशिक्षण ठीक है फिर परिवर्तन की योजना बनाना देन उनको रोजगार की नियुक्ति कराना ठीक है कि किसी कोई रोजगार उनको अवेलेबल कराना है और फिर उसके साथ साथ उसको उनको जो है सेवाएं यहाँ पर प्रदान होनी चाहिए अब स्टेजेस क्या क्या है हमारी एन आई एम एच मॉडल की तो पहला था मेरा स्कूल ट्रेनिंग सो प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग विद इन द स्कूल सेटिंग ठीक है कि स्कूल स्कूल uh, के अंदर जब हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं देन प्लानिंग फॉर द ट्रांजिशन इन वोस कम्यूनिटी असमेंट वोकेशनल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुलाइज ट्रांजिशन प्लान ठीक है यहाँ पर हम उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी उसकी डेवलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो उसके ट्रांजिशन की प्लानिंग करते हैं ठीक है लाइक like, uh, हमारा जो पर्सनलाइज हम एक एडुकेशन प्लान बनाते हैं जस्ट लाइक दिस यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन उसकी प्लानिंग करते हैं प्लेसिंग इन एम्प्लॉयमेंट सो फैसिलिटेटिंग द प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन सुटेबल इम्प्लॉयमेंट जो उनके लिए सुटेबल है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है ठीक है उनपे उनको जो है प्लेसमेंट दिलवानी देन ऑन गोइंग सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूड एक्सटेंसिव वोकेशनल ट्रेनिंग एडिशनल रेमिडिएशन इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स पोस्टिंग इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स प्रमोटिंग अ बैटर अंडरस्टैंडिंग विद इन द वर्क कम्युनिटी एंड टीचिंग नेसेसरी स्किल्स फॉर करियर सक्सेस ठीक है ये भी यहाँ पर उनके साथ साथ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं तो जो एन के संक्रमण मॉडल के क्या क्या चार चरण है पहले हम उनको स्कूल में प्रशिक्षण देते हैं राइट दूसरा है परिवर्तन के लिए योजना उनके लिए बनाते हैं ठीक है थीके? कि क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन होना चाहिए इसमें सामुदायिक मूल्यांकन व्यवसायिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत संक्रमण योजना भी शामिल है फिर उनको रोजगार में नियुक्ति दिलाते हैं ठीक है कि कौन से रोजगार है जो इनके योग्य है और उसमें उनको नियुक्ति दिलाते हैं और उसके साथ साथ जो उनको सेवाएं देते हैं जो उनके थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं इसमें व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण हो गया शैक्षिक विषयों में अतिरिक्त सुधार स्वतंत्र जीवन शैली को बढ़ावा देना कार्य समुदाय के भीतर बेहतर समझ को बढ़ावा देना और करियर की सफलता के लिए आवश्यक कौशल सिखाना शामिल है ठीक है कि ये इनके थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पर इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं ठीक है ठेके? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है फर्स्ट इज नीड बेस्ड एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग दैट अलाइंस विद द स्पेसिफिक नीड्स एंड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल ठीक है नीड बेस्ड और स्किल बेस्ड क्योंकि उस बच्चे को यहाँ पर क्या जरूरत है ठीक है क्या क्या स्किल्स हैं वहाँ पर वो ट्रेनिंग हम यहाँ पर बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं राइट तो नीड और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उनके हम देते हैं देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ठीक है हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो उन एक रिहेबिलेशन प्रोसेस है उसमें बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन वो करवा सके देन अवेयरनेस क्रिएशन डिस डिसिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रीहेबिलेशन अमॉन्ग पेरेंट्स एंड सिब सिबलिंग्स तो इसके लिए भी यहाँ पर अवेयरनेस दी जाती है एंड देन जॉब एनालिसिस डिस्कसिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोसेस एंड कॉम्पोनेट्स ऑफ जॉब एनालिसिस ठीक है यहाँ पर जॉब को एनालाइज किया जाता है और वहाँ पर उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोसेस उनको दी जाती है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है कि जो आवश्यकता आधारित और कौशल आधारित प्रशिक्षण हम उनको दे सके माता पिता की भागीदारी भी यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है ताकि भागीदारी उनकी सुनिश्चित करते हैं ताकि जो पुनर्वास प्रक्रिया है उसमें बच्चे के इन्वॉल्वमेंट अच्छे से हो उसके जागरूकता सृजन होना चाहिए कि जो माता पिता भाई बहनों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के बारे में जानकारी का प्रसार हो और नौकरी विश्लेषण कि जो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रक्रिया और नौकरी विश्लेषण है उनके घटकों पर भी यहाँ पर चर्चा होती है एम्पावरिंग फॉर सेल्फ एडवोकेसी सो एम्पावरिंग ट्रेनिज टू एडवोकेट फॉर themselves. ठीक है यहाँ पर क्या है हम स्व वकालत के लिए सशक्तिकरण करते हैं कि पृक्षओं को स्वयं की वकालत करने का सशक्त बनाना ठीक है कि वो खुद के लिए एक स्टैंड ले सके यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंसी उनकी हो जाती है फोस्टिंग सेल्फ डिपेंडेंस इन रिलेटेड ट्रेड ठीक है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं है कि उनको किसी पर यहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा देन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स उनको सिखाते हैं टीचिंग स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी की जो स्वतंत्र जीवन कौशल है समुदाय में स्वतंत्र जीने के लिए जो आवश्यक कौशल है वो हम उनको सिखाते हैं ये एम होता है ताकि उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम दे सकें देन राइट अवेयरनेस क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद डिसबिलिटी अबाउट अबाउंटेड राइट ठीक है कि जो यहाँ पर विकलांग व्यक्ति है उनके जो अधिकार है विकलांग व्यक्ति मैं बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना कि उनको पता हो कि भाई उनके क्या क्या उनके पास राइट्स हैं यहाँ पर सो इन समरी द फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स इन्हैस स्किल्स एंड फेसिलिटेट देर इंटीग्रेशन इन टू द वर्क फोर्स सो बाई एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स and involving parents in the process these initiatives contribute to creating a more inclusive and supportive environment for vocational training and independent living to humne vocational training ke kya dekha कि इसका aim ही है कि हम उन individuals को empower कर सके ठीक है उनके skills हम यहाँ पर बढ़ा सके उनको facilities यहाँ पर ज़्यादा दे सके ठीक है बाई एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड की जो उनकी जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें यहाँ पर ठीक है ताकि इसमें प्रोसेस में हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर हम दे सकें तो संक्षेप में अगर हम देखें तो भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना है और उनके जो कौशल है उनको बढ़ाना है और कार्यबल में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाना है दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके और इस प्रक्रिया में माता पिता को शामिल करके ये पहल व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने में योगदान देती है कि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से जी सके इतना कैपेबल उनको बना देते हैं सो द यूनिट इज कम्प्लीट एंड इफ यू लाइक आर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू बी एयर स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन नमस्कार